हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य इंडियो एरा। आप सबका यहाँ पे स्वागत है। माय नेम प्रदीप प्रजापत। और हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था वो चल रहा था SST 10th क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में हमने शुरू में लेजिस्लेचर के बारे में देखा। लेजिस्लेचर के बाद में एग्जीक्यूटिव के अंदर हमने काफ़ी पार्ट कंप्लीट कर लिया था। उसमें जो है हमने पहले गवर्नर देखा, गवर्नर के बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में जो है हमने CM के बारे में रीड किया था। CM से रिगार्डिंग संविधान के अंदर ज़्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया होता है, क्योंकि ये सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, ठीक है। लेकिन जो मेन पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होती है और ये उसका हेड होता है, इसलिए इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अच्छे से काम करवाए सारे डिपार्टमेंट से। उसके बाद में हम एक दो चीज़ें अभी पढ़ते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। वो क्या काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे वर्क करती हैं, कैसे सबके बीच में जो है वो एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके वो वर्क करते हैं, इसलिए यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के चांस भी रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन जो है आज स्टार्ट करेंगे जुडिशियरी के बारे में। तो पहले अपन एक जो टॉपिक रह गए थे, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या काम करता है और CM क्या वर्क करता है, द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये दोनों भी देखने हैं। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर मान के चलो जो भी मिनिस्टर आ रहा है वो मिनिस्टर स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है, और स्टेट लेजिस्लेचर में दो पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो मिनिस्टर होता है वो दोनों जो हाउस होते हैं उन दोनों हाउस में वो जो है वो एज ए जा सकता है, वहाँ पे जो है उसकी जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, वहाँ पे किसी बात के लिए वो बोल भी सकता है, स्पीच भी दे सकता है। लेकिन जब वोटिंग के टाइम आती है तो वो वोटिंग हमेशा उसी हाउस में देगा जिस हाउस से उसका रिलेशन है, ठीक है। जैसे भारत में सिर्फ 7 स्टेट में, हालांकि अभी 6 स्टेट हो गए, ठीक है, जम्मू कश्मीर जब स्टेट नहीं रहा तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि सिर्फ 6 स्टेट के अंदर जो है वो दोनों हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मान के चलो कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल का है तो वो असेंबली में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो उसमें बैठ सकता है, उसमें डिस्कशन कर सकता है, लेकिन वोटिंग हमेशा किस में देगा, ठीक है, वो काउंसिल में देगा। तो जो मेंबर जिस हाउस का होता है, ठीक है, वो हमेशा उसी में वोटिंग करेगा, दूसरे हाउस के अंदर सिर्फ आराम से मीटिंग अटेंड कर सकता है और किसी भी टॉपिक पे बोल सकता है, ये काम कर सकता है। और ये लिखा हुआ है संविधान के आर्टिकल 177, ठीक है, आर्टिकल 177 में ये लिखा गया है कि कोई भी मिनिस्टर किसी भी हाउस में बैठ सकता है, मीटिंग में वोट हमेशा अपने ही हाउस को देगा जिस हाउस का वो मेंबर है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मतलब MC क्या काम करती है। MC का मतलब हो गया सारे मिनिस्टर मिलके क्या काम करते हैं, ठीक है। देखो सारे मिनिस्टर जो है CM के सेना है, एक तरह की चीफ मिनिस्टर की सेना है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है PM की सेना होती है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, यहाँ पर भी जो है ये सारी मिनिस्टर की काउंसिल होती है। राजस्थान में लगभग अपनी नंबरिंग निकाला था तो लेजिस्लेटिव असेंबली का 15% मेंबर जो है वो काउंसिल का पार्ट होंगे, ये मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होंगे, मतलब सारे मिनिस्टर होंगे। अब मिनिस्टर भी जो है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कितने तरह के मेंबर होते हैं, जैसे ये लेजिस्लेटिव, ये पूरा मंत्रिपरिषद बोलते हैं इसको, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके अंदर 3 होते हैं, एक होता कैबिनेट, एक होता है स्टेट मिनिस्टर और एक होता है डिप्टी मिनिस्टर। तो एक होता है कैबिनेट, सेकेंड होता है स्टेट मिनिस्टर और तीसरा होता है डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर। जो मेन जो सबसे ज़्यादा जो
बड़े जो मिनिस्टर होते हैं, जिसके पास में बड़ी मिनिस्ट्री होती है, वो सब कैबिनेट का पार्ट होते हैं। कैबिनेट को हिंदी में बोलते हैं मंत्रिमंडल, ठीक है, ये वर्ड बहुत आता है मंत्रिमंडल, ठीक है। कैबिनेट, जो कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर होते हैं, जैसे मैं भी चलो स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही जो मेन जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रोड से, रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो ये जो भी बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं वो होते हैं कैबिनेट का पार्ट, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर मेन सीएम के सबसे ज्यादा जो है वफादार आदमी होते हैं। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट इनके पास में छोटी मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, और या फिर क्या करते हैं, इसमें से ऐसे कुछ होते हैं आधे जो कैबिनेट की मदद करने के लिए काम आते हैं। ऐसे जैसे डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर हमेशा कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर के हेल्प के लिए ही काम करते हैं। डिप्टी मिनिस्टर ऑलवेज वर्क फॉर द कैबिनेट एंड फॉर द स्टेट मिनिस्टर एज ए हेल्प, ठीक है, वो मदद के लिए काम करेंगे। ये होता है मिनिस्टर काउंसिल के अंदर, तीन तरह के मिनिस्टर होते हैं। अब ये सारे मिनिस्टर, ये जो पूरा भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सारे मिल के काम करते हैं, ठीक है। तो मिल के क्या काम करते हैं, देखो अब इनके काम पड़ रहे हैं अपन, तो पहला फंक्शंस क्या होता है, देखो जो भी कानून बनने के लिए असेंबली में आता है उससे पहले उसका फॉर्मेशन तैयार हो जाता है, कि मतलब उस पर क्या बहस होनी है, कैसे ये वर्क करेगा, किस तरह का कानून है, और वो सारा कानून कौन तैयार करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब ये पहले होमवर्क करके आते हैं और उसके बाद में ये लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां पे भी उनको रखना है वहां पे वो रखते हैं। तो ये मेन क्या काम करते हैं, टू मेक द पॉलिसी, पॉलिसी इन स्टेट, ठीक है, राज्य के अंदर जो भी पॉलिसी होगी, जो भी नीति होगी, ठीक है, वो पॉलिसी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, वो कौन काम करेगा, ये काम करेंगे। अब इसमें क्या क्या होता है, मान के चलो वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो मान के चलो कोई वेलफेयर से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे किसी से रिलेटेड हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो, ठीक है, कोई भी योजना बनानी हो, वो योजना हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ही तैयार की जाएगी, ठीक है। सेकेंड वर्क देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट, सेकेंड मतलब जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, ठीक है, जिस पे अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, लेकिन गवर्नर के पास में लिस्ट कौन देता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ हाईएस्ट पोस्ट, ठीक है, इन स्टेट। अब बड़ी बड़ी पोस्टें कौन सी होती हैं, जैसे मान के चलो एडवोकेट जनरल है, स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, या मान के चलो आरपीएससी जो होती है, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका जो चेयरमैन होता है, ठीक है, इसके चेयरमैन का भी जो है वो अपॉइंटमेंट कौन, लिस्ट कौन तैयार करेगा, एमसी तैयार करेगी, वो एमसी फिर सीएम को देगी, और सीएम किसको देगा, गवर्नर को देगा, और गवर्नर इनको अपॉइंट करेगा। तो ये भी काम कौन करता है, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करती है। उसके बाद में होता है जैसे ये जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ये जो भी काम कर रहे हैं, ये हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं। तो मतलब जो भी काम कर रहे हैं उनको लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जवाब देना पड़ता है कि ये जो पॉलिसी बनाई है या जो कोई भी उन्होंने योजना निकाली है, उस योजना का जो है वो कितना बेनिफिट है या कितना जो है उसकी फायदा है, ठीक है, जनता को। तो ये होता है इसका रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल टू एलए, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति जो है ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद में जो है, जो भी आपको कोई कानून बनाना है, ठीक है, लॉ मेकिंग करना है, तो लॉ मेकिंग के लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो करनी है, ठीक है, जो भी आपको कोई कानून बनाने के लिए जो भी प्रोसीजर फॉलो करनी है कि पहले ये करना है, ये करना है किसकी, तो इन सबकी सहमति के हिसाब से जो है वो प्रोसीजर भी डिसाइड किया जाता है, ठीक है, प्रक्रिया निर्धारित करना, इसको बोलते हैं लॉ मेकिंग की, लॉ मेकिंग की प्रोसीजर डिसाइड करना,
प्रोसीजर डिसाइड, टू डिसाइड द प्रोसीजर फॉर द लॉ मेकिंग, ठीक है, लॉ मेकिंग के लिए जो है वो प्रोसीजर डिसाइड करना, ठीक है। उसके बाद में जो होते हैं प्रिपेयर बजट। अब यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, हालांकि देखो मेन तो फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट तैयार करता है, लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के अंदर सारे मिनिस्टर जो है अपने डिपार्टमेंट में कितना इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में सारा तैयार करके जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर को देते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट प्रिपेयर करता है। तो इसका ये काम ही हो गया बजट प्रिपेयर का। ठीक है, बजट तैयार करता, बजट तैयार करने के बाद में फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, ठीक है, स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो है वो बजट रखता है। बजट हमेशा कहाँ रखा जाएगा, हमेशा लोअर हाउस में, और लोअर हाउस कौन सा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में ही रखा जाएगा, ठीक है, विथ द परमिशन ऑफ गवर्नर, गवर्नर की परमिशन के बाद में ही बजट जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रखा जाता है। ठीक है, ये मेन इनके वर्क हो गए। ठीक, अब देखो रेस्पॉन्सिबल में क्या होता है, अब मान के चलो यहाँ पे हम जिम्मेदार हैं, मतलब हमने जो भी काम किया है, ठीक है, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसकी जिम्मेदारी हमेशा किस पे होगी, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल पे होगी। ठीक है, ये इसके जो है ये वर्क हैं। अब इसी के साथ में ये जो काम कर रहे हैं, ये काम वापस सीएम के भी होते हैं, क्योंकि देखो ये सेना है, ये सीएम की सेना है, ये जो काम कर रही है वो काम किसको ले जाके देते, सीएम को देते हैं, तो सीएम का काम भी वही होगा। ठीक है, क्योंकि सीएम इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब अपन पढ़ते हैं द फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर इन स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि देखो किसी भी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वो यही है। ठीक है, आज यदि कुछ भी होता है, कोई फाइनल डिसीजन भी लेना है, ठीक है, स्टेट के अंदर, तो डिसीजन किसके हाथ में होता है, चीफ मिनिस्टर के हाथ में। जैसे अभी कोरोना महामारी फैल रही है, या कोरोना जो पेंडेमिक फैल रहा है, उसके रिगार्डिंग यदि स्टेट के अंदर क्या सा माहौल है, क्या कंट्रोल है, उसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के रिगार्डिंग हमें लॉकडाउन बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसी मदद लेनी है, हमें कैसी इकोनॉमिक हेल्प लेनी है, हमें उनसे हेल्थ से रिलेटेड कैसे कैसे जो है वो फायदा लेना है, तो ये सारे रिगार्डिंग मेन जो डिसीजन लेने के जो होते हैं वो सब किसको लेने होते हैं, चीफ मिनिस्टर को लेने होते हैं। ठीक है, दूसरा, चीफ मिनिस्टर के साथ में मेन काम कौन करता है, कैबिनेट करती है, कैबिनेट मिलकर जो है चीफ मिनिस्टर की मदद करती है, और चीफ मिनिस्टर एज ए वर्क रियल है वर्क, ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो हमेशा चीफ मिनिस्टर ही कहलाता है। ठीक है, अब इसके काम क्या क्या है, देखो ये जो काम करता है इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है, अपनी सेना तैयार करता है। जैसे मान सीएम बन गया, ठीक है, सीएम बनने के बाद में सबसे पहले क्या करेगा, ये अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार करेगा, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार करेगा, सारे मिनिस्टर लेगा, जो मिनिस्टर जिस डिपार्टमेंट के लिए उसको सेलेक्ट करना है उसको वो अलॉट करेगा। तो पहले का फॉर्मेशन ऑफ एमसी, फॉर्मेशन ऑफ एमसी माना मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार करना। उसके बाद में टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क, ठीक है, और डिपार्टमेंट अमंग द मिनिस्टर, ठीक है, मतलब इतने सारे मिनिस्टर हमने सेलेक्ट तो कर लिए, अब उनको कौन कौन सा डिपार्टमेंट इश्यू करना है, ये डिपार्टमेंट इश्यू कौन करता है, सीएम करता है अपनी मर्जी के हिसाब से। उसके बाद में डिपार्टमेंट इश्यू करने के बाद में ये सारे डिपार्टमेंट के बाद में लिस्ट किसको देता है, गवर्नर को देता है, और गवर्नर उस पर थप्पा लगा देता है। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूट वर्क एंड डिपार्टमेंट अमंग मिनिस्टर, सारे मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा करना, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट द वर्क, जो भी काम है उनको काम का जो भी है वो बंटवारा, ठीक है, ये मिनिस्टर हमेशा सीएम ही करता है। अगला है, देखो मिनिस्टर काउंसिल के अंदर मेन कौन है, कैबिनेट, ठीक है, तो कैबिनेट कैसे वर्क करता है, मेन कैबिनेट का हेड यही होता है, और कैबिनेट की ऐसा है कि हर वीक के अंदर मीटिंग होती है, ठीक है, और कैबिनेट में कितने होते हैं, कैबिनेट में जैसे टोटल 30 मेंबर हैं एमसी के अंदर, तो कैबिनेट में सिर्फ 7-8 मेंबर आएंगे, और उन 7-8 मेंबर का हेड चीफ मिनिस्टर,
ठीक है, जब भी कैबिनेट की मीटिंग लगेगी उसका हेड हम उसका हमेशा प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन रहेगा, चेयरमैन हमेशा सीएम बनेगा। तो वर्किंग ऑफ कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्टर काउंसिल, ठीक है, इसमें मेन बड़े बड़े मिनिस्टर आएंगे और इसका भी जो हेड होता है, ठीक है, इसका जो हेड होता है वो हमेशा सीएम होता है, ठीक है, हर वीक के अंदर इसकी बैठक भी होती है, ठीक है, हर वीक के अंदर इसकी बैठक होती है सीएम के साथ में, और मैक्सिमम जो होती है कभी कभी सीएम हाउस में होती है, ठीक है, सीएम हाउस में या सीएम के जो ऑफिस होता है, ठीक है, वहां पे इसकी मीटिंग होती है हर, ठीक है, किसी भी रिगार्डिंग। इसके अलावा सीएम क्या करता है, कोऑर्डिनेशन, जो भी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, ठीक है, समन्वय निर्धारित करना, सारे मिनिस्टर एक साथ मिलकर काम करें, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं हो, कोई वाद विवाद नहीं हो, तो सारे एक साथ वर्क करने के लिए ये एज ए लीडर की तरह वर्क करता है, उसको टीम वर्क की भावना जो है वो सारे होती है। तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन, कोऑर्डिनेशन ये जो है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, ठीक है, सारे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बीच में। उसके बाद में होता है एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, हमेशा जो है वो लिंक की तरह काम करेगा। पांचवा है लिंक बिटवीन एमसी एंड गवर्नर, ठीक है, मतलब एमसी जो भी काम कर रही है वो किसको देता है, सीएम को, और सीएम हमेशा किसको देता है, गवर्नर को, ठीक है। तो ही वर्क एज ए लिंक बिटवीन मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, इन दोनों के बीच में जो है हमेशा एज ए लिंक की तरह काम करेगा। उसके बाद में सिक्स नंबर, ही वर्क ऑलवेज ए लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जो है एक विधानसभा का नेता है, ठीक है। देखो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने पढ़ा था कि जो राष्ट्र जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर हमेशा लोकसभा का नेता होता है, ठीक है, मतलब लोकसभा के अंदर जो भी कोई बिल पास हो रहा है या जो भी कोई डिबेट हो रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है, उसके अंदर जो मेजोरिटी को बहुमत दल का नेता भी वही होता है, और जो सदन का नेता है जिसको अपन बोल सकते हैं लोकसभा का नेता, और यहां बोल सकते हैं वो विधानसभा का नेता, तो ये जो है विधानसभा का लीडर ऑफ एलए, ठीक है, ये हमारा लोकसभा का नेता भी यही कहलाते हैं, ठीक है, इसलिए इसके क्या होता है, जैसे मान के चलो लोकसभा के अंदर या मान के चलो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो भी कोई वर्क हो रहा है, ठीक है, तो हमेशा इसकी जो है वो भागीदारी होती है, इसकी जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है, इसकी कंट्रीब्यूशन के साथ में कोई वर्क पूरा होता है। और कभी मान के चलो सीएम को ऐसा लगता है, सीएम को ऐसा लगता है कि जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छे से वर्क नहीं करनी, उसको डिसॉल्व करना है, उसको भंग करना है, तो सीएम गवर्नर को एडवाइस करेगा कि अभी आप जो है लोकसभा को वो डिसॉल्व कर दो, उसको भंग कर दो, तो फिर गवर्नर जो है लोकसभा को भंग भी कर सकता है विद द एडवाइस ऑफ सीएम, ठीक है, सीएम की एडवाइस के साथ में जो है वो डिसॉल्व कर सकता है। अभी ये अपने जो फंक्शंस पूरे हो गए हैं, द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड फंक्शन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं जुडिशियरी सिस्टम। एक दो चीज और देखते हैं, देखो राजस्थान के रिगार्डिंग यदि अपन इनको बात करें, राजस्थान में जो सीएम है, ठीक है, राजस्थान का वर्तमान सीएम है अशोक गहलोत, और राजस्थान के अंदर डिप्टी सीएम का संविधान के अंदर कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है, लेकिन डिप्टी सीएम जो है राजस्थान में एक बने हैं, अभी तक 5 डिप्टी सीएम बने हैं, ठीक है। देखो वर्तमान समय में जो सीएम है वो है अशोक गहलोत, ठीक है, जो फर्स्ट सीएम था राजस्थान का, फर्स्ट सीएम वो है हीरालाल शास्त्री, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के अंदर फर्स्ट डिप्टी सीएम ये था
टीकाराम पालीवाल फर्स्ट डिप्टी सीएम, ठीक है, टीकाराम पालीवाल। उसके बाद में देखो आप, हालांकि राजस्थान के अंदर टोटल जो है वो 5 डिप्टी सीएम अभी तक बन चुके हैं, ठीक है, और अभी ये जो गवर्नमेंट चल रही है ये हमारी चल रही है 15वीं, 15 विधानसभा चल रही है, ठीक है, 15 विधानसभा अभी रन है, ठीक है, और 15 विधानसभा अभी करंट में हमारी रन है। उसका जो लीडर का, जो सदन का नेता है या फिर लीडर ऑफ द हाउस है, वो है अशोक गहलोत, ये सीएम है, ठीक है। और अभी वर्तमान समय में डिप्टी सीएम कौन है, डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, ठीक है, अभी डिप्टी सीएम जो है सचिन पायलट है। तो ये दो चार चीजें जो है ये याद रखनी। हालांकि सीएम का कौन राजस्थान के अंदर सबसे लंबे टाइम तक सीएम रहने वाला जो है वो है मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्होंने 17 साल तक सीएम रहे थे और वो 4 बार सीएम बने थे। लेकिन इसके बाद में यदि अपन रिकॉर्ड की बात करें सेकंड टाइम में, तो ये टूटेगा अशोक गहलोत के द्वारा। अशोक गहलोत जो है इनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है, ठीक है, तीसरा कार्यकाल चल रहा है, और 2023 तक यदि ये कंटिन्यूस रहते हैं तो इनके 15 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसका कुछ फिक्स नहीं कह सकते, लेकिन यदि कार्यकाल पूरा हो जाता है इनका 2023 तक, तो इनके जो है वो 15 साल पूरे हो जाएंगे। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं जुडिशियरी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशियरी सिस्टम, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कि जुडिशियरी सिस्टम क्या है, जुडिशियरी सिस्टम के अंदर कौन से, जैसे स्टेट के अंदर पढ़ेंगे अपन तो वो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे होते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट, तो हाई कोर्ट के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है अपने, तो अभी उसे वहां तक अपन नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं हाई कोर्ट। देखो जुडिशियरी सिस्टम इन द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जुडिशियरी सिस्टम में सबसे जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो होती है हाई कोर्ट, ठीक है, मेन हाई कोर्ट होता है। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट में जो आर्टिकल दे रखे हैं वो आर्टिकल है 214 से लगाकर 237 तक, ठीक है, 214 to 237, इतने आर्टिकल जो है वो हाई कोर्ट के रिगार्डिंग सारे वर्क करते हैं, या अपन बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जुडिशियरी सिस्टम के रिगार्डिंग सारे इतने आर्टिकल संविधान के अंदर दे रखे हैं। इसके बाद में देखो हाई कोर्ट के बारे में यदि अपन रीड करें कि भारत का संविधान जो है आर्टिकल 214, ठीक है, 214 ये कहता है, आर्टिकल 214 ये कहता है कि किसी भी स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, या फिर दो स्टेट मिलके एक हाई कोर्ट बना सकते हैं, दो या दो से अधिक स्टेट मिलके एक हाई कोर्ट बना सकते हैं, किसी स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होगा या दो स्टेट मिलके एक हाई कोर्ट का जो है वो फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये लिखा हुआ आर्टिकल 214 के अंदर अबाउट द हाई कोर्ट। किसी भी स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है, हाई कोर्ट, या फिर दो या दो से अधिक, ठीक है, मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू स्टेट भी मिलके जो है वो हाई कोर्ट बना सकते हैं, ऐसा राज्य भारत के अंदर वर्तमान समय में है, ठीक है। जैसे पंजाब और हरियाणा का जॉइंट हाई कोर्ट है, उसके बाद में जो वेस्ट साइड में जो नॉर्थ ईस्ट साइड जो है वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट हैं जिसको सेवन सिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है, उस जो सिस्टर्स स्टेट हैं वो सारे मिल के जो है एक हाई कोर्ट है, ठीक है, आसाम के अंदर। तो ऐसे जो है जॉइंट है भारत के अंदर। यदि अपन बात करें कि सबसे पहले जो हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, वो भारत के अंदर 3 जगह पे हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुए थे, और वो हुए थे 1862 के अंदर भारत में 3 जगह पे, ठीक है, 1862 में 1862 के अंदर 3 जगह पे हाई कोर्ट आए थे, और वो उस टाइम के भारत की सबसे बड़ी प्रेजिडेंसी थी,
ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नर रूल्ड था, तो ब्रिटिश रूल्स के अकॉर्डिंग तीन भारत के अंदर तीन बड़ी जो प्रेजिडेंसी थी वो प्रेजिडेंसी कौन कौन सी थी? पहली थी कोलकाता, कोलकाता उसके बाद में मद्रास और तीसरा था बॉम्बे, ठीक है, मुंबई, ठीक है। ये तीन ऐसी प्रेजिडेंसी थी जिसके अंदर 1862 के अंदर जो है वो हाई कोर्ट ओपन किया गया था। उसके बाद में एक और ओपन हुआ 1866 के अंदर, ठीक है, और वो हुआ हुआ नॉर्थ के अंदर इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद के अंदर जो है वो हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ 1866 के अंदर। इसके बाद में यदि राजस्थान की बात करें, राजस्थान हाई कोर्ट जो है, राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया अगस्त 1949, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, भारत जब स्वतंत्र हो गया था उसके बाद में जो है राजस्थान हाई कोर्ट जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया। जब पूरे जो यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान चल रहा था तो उस टाइम में ये डिस्प्यूट हुआ था कि कौन सी चीज को कहाँ देना है, बॉस जो राजा महाराजा थे वो उनमें थोड़ा वाद विवाद होने लगा, ठीक है, तब ये डिसाइड किया गया कि राजस्थान में जो हाई कोर्ट है, मेन हाई कोर्ट है, वो जोधपुर में होगा और इसकी एक ब्रांच जो है वो जयपुर के अंदर एस्टेब्लिश की जाएगी। तो मेन तो कहाँ पे? जोधपुर के अंदर, ठीक है, और इसकी सब ब्रांच है वो कहाँ पे है? जयपुर में, ठीक है, इसकी एक ब्रांच कहाँ पे दी गई? जयपुर में दी गई। जोधपुर के अंदर इसकी अभी जो है पहले लीज पे चल रहा था, अभी इसकी जो है मेन बिल्डिंग जो है वो बन के तैयार हो गई है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है अभी करंट के अंदर, उनका नाम है इंद्रजीत मोहंती, ठीक है, वो आप लिख सकते हो इंद्रजीत मोहंती जो है राजस्थान के चीफ जस्टिस है, ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। अब देखो इसका कंपोजिशन देखते हैं, कंपोजिशन का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, इन जज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? देखो जो भी यहाँ पे हाई कोर्ट है राजस्थान के, पूरे भारत के अंदर जो है 24 हाई कोर्ट्स हैं, और उन सभी हाई कोर्ट्स के अंदर सब जगह चीफ जस्टिस होता है और जो अदर जज होते हैं, तो ये सारे जज और जो चीफ जस्टिस हैं आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, चाहे कोई भी, चाहे चीफ जस्टिस हो, ठीक है, चीफ जस्टिस हो या फिर कोई अदर जज हो, ठीक है, ये सारे किसके द्वारा अपॉइंट होंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये सारे प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटेड होंगे। उसके बाद में इनमें जो है किसी भी हाई कोर्ट में कितने जज होंगे ये अभी फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि पार्लियामेंट जो है ये डिसाइड करेगी कि किस हाईकोर्ट में जो है कितने मेंबर रखने हैं। कंपोजिशन के जो है ये जो आर्टिकल दे रखा है, ये दे रखा है आर्टिकल 216 के अंदर, आर्टिकल 216 के अंदर चीफ जस्टिस और जो भी अदर जज होते हैं आर अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट, ठीक है, वो अपॉइंटेड होंगे किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके बाद में आर्टिकल 216 जो है, आर्टिकल 217(1) इसमें ये कहा गया कि जो भी चीफ जस्टिस या फिर जो अदर जज अपॉइंटेड हो रहे हैं उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, उनको कौन अपॉइंट करेगा या कैसे उनको डिसीजन जो है वो करेगा। देखो हमेशा अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करता है, तो वो किसकी किसकी परामर्श लेगा? तो ये कहा गया है कि हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट जो है वो किससे परामर्श करेगा? पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI से, ठीक है, उसके बाद में इसका एक कॉलेजियम सिस्टम होगा। क्या होगा? जो भी कॉलेजियम ने जो रिक्रूट किया है वो, और एक किससे डिसाइड करेगा? गवर्नर से, उस स्टेट के गवर्नर से, ठीक है। यदि हाईकोर्ट का है चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है तो सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कॉलेजियम सिस्टम और गवर्नर, ठीक है, इन तीनों से परामर्श करके जो भी फाइनल जो भी नाम होगा वो जो है हमेशा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा।
ठीक है। इसके बाद में चीफ जस्टिस बन गया। चीफ जस्टिस के बाद में यदि आपको अदर जज बनाने, कौन से जज बनाने, अदर जज, तो अदर जज के लिए ये कहा गया है।